सिवनी की छपारा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जन भागीदारी योजना के तहत बन रही ग्रेवल सड़कों में सरपंच सचिव छपारा के ठेकेदारों के साथ मिलकर तकनीकी अमला इंजीनियर के मार्गदर्शन और बिना मापदंड के ग्रेवल सड़क बनाकर बिना सत्यापन मूल्यांकन के लाखों रुपए की राशि निकाल ली है। खास बात तो यह है कि गाँव के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन पंचायत के सरपंच सचिव ठेकेदार कागजों में जन भागीदारी दर्ज कराई। कमीशन देकर सीधे भोपाल स्तर स्वीकृत हो रही जन भागीदारी के 14.90 लाख की ग्रेवल सड़क में नियम के तहत 4 लेयर होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार मुरम और डस्ट डालकर बिना पानी की सिंचाई और रोलिंग किए 2 लेयर में ही सड़क बना रहे हैं। 80% से ज्यादा राशि निकाल ली गई है। छपारा जनपद की ग्राम पंचायत पायली कोड़िया दरबई बिलकटा मुंडरई पंचायत की सड़कों में फर्जीवाड़ा किया गया है। इस मामले में छपारा जनपद के तकनीकी अधिकारी एई का कहना है कि जन भागीदारी की सड़कें सीधे भोपाल से स्वीकृत कराकर लाई जा रही हैं। पैसा भी सीधे पंचायतों के खाते में जा रहा है। तकनीकी रूप से हमने TS दिया है, लेकिन निर्माण के दौरान कोई जानकारी दी गई है ना ही इंजीनियर मौके पर गए हैं। मूल्यांकन किए बिना ही राशि निकाल ली जाने की बात करते हुए अनुचित बताया गया है। वहीं अब मामले पर जनपद पंचायत के CEO भी सड़कों की जांच कराकर सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। योजना बनाई जा रही है, ग्राम वासियों का 20-25% राशि जन सहयोग से दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि मिट्टी मुरम JCB रोड में मुरम मुर्मीकरण डालना है। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर न होने के कारण जितेंद्र ठेकेदार के जितेंद्र राजपूत मतलब सप्लायर द्वारा JCB और ट्रक के द्वारा काम किया जा रहा है। तो यह है कि कोई भी काम बगैर तकनीकी अमले के नहीं होता है। अब सरपंच सचिव ने यदि पैसा निकाल लिया है और काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और हो सकता है तो रिकवरी की भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि कहीं ठेकेदार काम करा रहा है। हम तो यही मान के चल रहे कि हमारे क्योंकि पैसा एजेंसी निकाल रही तो एजेंसी काम कर रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।